आप सुन रहे हैं हेलो आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, लेकर एक रोमांटिक स्टोरी। शिखा धीरे से मोहन के पास आकर खड़ी हो गई। शिखा ने मोहन के माथे पर एक किस किया और कहा, चलो हम डैडी के साथ चलकर इस कार को असेंबल करते हैं। ठीक है, मानव ने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा क्या तुम डैड को भूल गए? डैडी आप भी दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। ये सब देखकर ऋषु की आंखों में आंसू आ गए। पिता के होने से इतनी खुशी होती है, ऋषु को ये कभी पता ही नहीं था। TK01 स्मार्ट रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार को ऋषु ने बहुत मेहनत से डिजाइन किया था। इससे पहले कि उस कार का बनना स्टार्ट होता, उस कार के कई हजार ऑर्डर्स पहले से ही आ गए थे। ऋषु ने एक बार एक मॉल से लोकल रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार प्रयोग करने के लिए खरीदी थी। यशिका को यही लगा था कि वो उस कार से खेलना चाहता था, इसीलिए उसने उस कार को खरीदने की जिद की थी। असल में उसे खिलौने पसंद ही नहीं थे। खिलौने बच्चों के खेलने की चीज थी और उन चीजों में अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसे बस अपने पापा चाहिए थे। वो चाहता था कि उन खिलौनों को अपने पापा के साथ खेले। वो केवल एक दोस्त चाहता था। उसने खिड़की के कोने को जोर से पकड़ लिया, क्योंकि उसके अकेलेपन का एहसास बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। पूरी जिंदगी भर कई बार वो यही सोचता आया था कि उसके पिता उसके पास नहीं थे। हालांकि अभी वो अपने पापा के बहुत करीब था। जैसे हमेशा यशिका अपने दिमाग में अपने बड़े बेटे की छवि बनाया करती थी, वैसे ही ऋषु भी अपने दिमाग में अपने पापा की तस्वीर बनाता था। और उसके दिमाग में जो तस्वीर थी वो अभी उसके सामने थी। ऋषु ने हमेशा यही सोचा था कि उसके पापा ऊंची कदकाठी के सुंदर आंखों वाले और सुंदर नए नक्श वाले होंगे। वो सूट में तो बहुत हैंडसम दिखते होंगे। सचमुच वो आदमी इतना अट्रैक्टिव था कि ऋषु उससे देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया था। वो अपने दिल की गहराइयों से हमेशा यही सोचता था कि कितना अच्छा होता अगर पैदा होते ही उसके अपने पिता उसके साथ होते, पर ऐसा नहीं था। अचानक से ऋषु के कानों में वो शब्द गूंजे, ऋषु तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? हाँ, ऋषु कभी अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऋषु जिंदगी भर के लिए बस अपनी मम्मी का है और रहेगा। वो उसे हर मुश्किल से बचाएगा। वो अपने पिता को भी कभी अपनी माँ को परेशान नहीं करने देगा। ऋषु ने अपनी नजरें झुका ली। अपनी इच्छा को ऋषु ने अपनी आंखों में ही छुपा लिया था और कार की खिड़की बंद कर दी थी उसने। मानव ने अपने बेटे मोहन को प्यार से अपनी गोद में पकड़ रखा था। इसी समय अचानक से उसकी नजर उस आलीशान बेंटले कार पर पड़ी। उसने देखा वो बेंटले कार वहां से जा रही थी। मानव ने देखा खिड़की के पास एक अकेला बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा लगभग 6 साल का था और बैक सीट पर बैठा हुआ था। उस बच्चे ने अपना सर तो उठा रखा था, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुकी थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेला था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में कुछ जरूरी चीजें खो दी थीं। मोहन ने देखा मानव कहीं दूर देख रहा था। मोहन ने मानव से पूछा, डैडी क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मानव ने उससे कहा। मानव ने अपना सर झुका लिया। ये कहते समय मानव का ध्यान तो कहीं और ही था। वो मीटिंग एक VIP लाउंज में रखी गई थी। उन लोगों के पास नाम, पैसा, सब कुछ था। यशिका ने गेट खोला और वो सीधे अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा शिवानी एक आदमी की बाहों में थी। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे आसपास कोई भी नहीं था। शिवानी ने उस आदमी के कंधे पर धीरे से हाथ रखा और प्यारी सी आवाज में उससे बात करने लगी। शिवानी उस सुंदर ड्रेस में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी।
उनके आसपास बैठे लोग उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे थे। वो उनके आसपास बैठकर इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो इन सब के आदि थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब पहले से ही होता आया है, इसीलिए उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आदमी जिसने शिवानी को अपनी बाहों में भर रखा था वो कोई और नहीं बल्कि रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ धीरज कुमार था। वो उस शहर का जाना माना नाम था। उसने शिवानी को एक कामयाब एक्ट्रेस बनने में बहुत मदद की थी। यशिका ऐसे सीन देखने की आदि नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शिवानी के बाजू में जाकर बैठ गई। हालांकि उसके उस कमरे में आते ही लाउंज का पूरा माहौल बदल गया था। शिवानी एक नई एक्ट्रेस थी जिसने आर्ट स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। उसे पता था कि शो बिजनेस के क्या नियम हैं और इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है। वो सुंदर थी, इसीलिए उसे फॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी ने साइन कर लिया था। हालांकि फिल्मों में आने के एक साल के बाद भी लोग उसे नहीं पहचानते थे। अभी अभी धीरज कुमार ने शिवानी का साथ देना शुरू ही किया था। अधेड़ उम्र के इस आदमी को शिवानी के जैसी खूबसूरत मॉडल्स में बहुत इंटरेस्ट था, और फिर शिवानी थी भी बहुत सुंदर। धीरज कुमार के बाद शिवानी को कई रियलिटी शोज के ऑफर आने लगे, जिससे अब उसे अपना नाम बनाने का एक मौका मिल गया था। अभी अभी किसी ने आकर यशिका को पीछे से पकड़ लिया था। वो कोई और नहीं, धीरज कुमार था। अधेड़ उम्र का ये आदमी लड़कियों के प्रति काफी आकर्षित था। उसे शिवानी जैसी खूबसूरत फिगर वाली नई मॉडल्स ज्यादा ही पसंद थी। शिवानी को कई रियलिटी शोज से ऑफर भी मिल रहे थे। धीरज कुमार के पास काफी पैसा था और वो उस टीन मूवी तेरा मेरा प्यार, जो कि फॉक्स एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बन रही थी, उसके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक था। ये जानकर कि धीरज कुमार एक बहुत बड़ा फिल्म इन्वेस्टर था, शिवानी के मैनेजर ने उसके साथ शिवानी की एक मीटिंग अरेंज करवा दी थी ताकि वो उस इन्वेस्टर को रिझा सके। अगर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से उसे उस मूवी तेरा मेरा प्यार में फीमेल लीड का रोल मिल जाता तो समय से पहले ही वो काफी फेमस हो जाती। इसीलिए इस मीटिंग में उसने बहुत सारी चीज की जिससे कि वो उस पैसे वाले सीईओ को खुश कर सके। धीरज शिवानी को देखकर अट्रैक्ट हो गया था। वो अंदर ही अंदर उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फीमेल लीड रोल शिवानी को ही मिलने वाला था। हालांकि जैसे ही यशिका लाउंज के अंदर आई, अचानक से सभी का ध्यान यशिका पर आ गया। उस समय कोई भी नहीं देख रहा था कि शिवानी किस तरह धीरज से फ्लर्ट कर रही थी। यहां तक कि धीरज कुमार को भी अब उस शिवानी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो भी यशिका के पास ही जाना चाहता था। उसने पहले कभी यशिका के जैसी लड़की नहीं देखी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यशिका जैसी सुंदर और इनोसेंट लड़की दुनिया में होती भी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत से उतर कर आई हो। धीरज ने शिवानी से पूछा, ये लड़की जो अभी अभी यहाँ आकर बैठी है वो कौन है? शिवानी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने बहुत मुश्किल से धीरज कुमार को खुश किया था, लेकिन एक ही झटके में उसका ध्यान शिवानी से हटकर यशिका पर चला गया था। गुस्से से शिवानी ने उत्तर दिया, अरे ये तो मेरी नई असिस्टेंट है, धीरज ने आगे कहा। देखो उसे कितनी सुंदर है। शिवानी को यशिका से बहुत जलन हो रही थी। उसने धीरज से कहा, उस यशिका वो खुद यहाँ है लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ आकर शराब का मजा नहीं ले रही है। तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही है? जैसे ही यशिका ने ये बात सुनी उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने आकर कहा, मैं ड्रिंक नहीं करती। यशिका एक दो ग्लास शराब पीते ही मदहोश हो जाती थी। ड्रिंक के बाद उसे सच में होश भी नहीं रहता था। वो पहले कभी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरी थी, इसीलिए वो अपने आप को काफी कमजोर और बेसहारा महसूस। उसकी हालत एक रास्ता भटक गए हिरण के जैसी थी। लेकिन अभी यशिका की आवाज
लोगों के कानों को मीठी ही लग रही थी। यशिका की मीठी आवाज सुनकर धीरज कुमार यशिका के सुंदर चेहरे की तरफ देखने लगा। यशिका के जैसी सुंदर और इनोसेंट लड़की का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना एकदम नामुमकिन था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाली लड़कियां पहले तो मासूम रहती थीं, लेकिन इंडस्ट्री की गंदगी से नहीं बच पाती थी। और कुछ केसेस में तो लड़कियों की मासूमियत केवल एक दिखावा रहती थी। कोई भी आदमी देखकर ही बता सकता था कि लड़की मासूम होने का दिखावा कर रही थी या सचमुच मासूम ही थी। और फिर लड़कियों के मामले में धीरज कुमार तो एक्सपर्ट ही था। वो यशिका को देखते ही समझ गया था कि यशिका जैसी लड़की मिलना नामुमकिन था। यशिका दिखने में काफी सुंदर थी। यशिका की ये बात सबसे अच्छी थी कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बाकी औरतों की तरह दिखावा नहीं कर रही थी। यशिका एकदम प्योर थी, अनछुए फूल की तरह। धीरज सोच रहा था, अगर मैं यशिका को पा लूं तो फिर मैं इस शिवानी जैसी लड़कियों को खुद से दूर कर दूंगा, जो मेरे बिस्तर तक आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। ये सोचते ही धीरज के शरीर में एक आग सी लग गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। धीरज की नजरें अभी भी यशिका पर ही टिकी थी। यशिका, झूठ मत बोलो, बहाना मत बनाओ कि तुम शराब को हाथ नहीं लगाती। जैसे ही धीरज ने यशिका से ये कहा, उसने शिवानी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। फिर वो यशिका के करीब गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। यशिका को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। यशिका चुपचाप अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी रही। मैं ज्यादा शराब नहीं पी सकती, मैं हमेशा ही बहुत कम, बस थोड़ा ही पीती हूँ। एक ग्लास शराब पीते ही मैं मदहोश हो जाती हूँ। थोड़ी तो पी लो, धीरज कुमार ने यशिका से कहा। यशिका के शराब पीने के लिए मना करने पर वो काफी नाराज हो गया था। वो ज्यादा शराब पीने पर होश में नहीं रहेगी। अगर इस शराब का नशा जल्दी चढ़ जाएगा तो इससे डील करना और आसान हो जाएगा, धीरज मन ही मन सोच रहा था। धीरज कुमार ने शिवानी को एक तरफ किया और उसके असिस्टेंट यशिका को देखने लगा। किसने उस असिस्टेंट को शिवानी के लिए ढूंढा था? यशिका किसी अप्सरा के समान सुंदर थी, जिसे देखकर धीरज कुमार उत्तेजित हो गया था। जब धीरज कुमार यशिका को जबरदस्ती शराब पिला रहा था, यशिका को बहुत गुस्सा आया। वो कई मीटिंग्स में जाती थी, लेकिन वहां सिर्फ चाय ही पीती थी। वो कभी भी शराब नहीं पीती थी और किसी ने उसके साथ शराब पीने के लिए जबरदस्ती कभी नहीं की थी। इस तरह की सिचुएशन का सामना करने पर वो उलझन में पड़ गई थी। धीरज कुमार का पूरा ध्यान सिर्फ यशिका पर ही था। ये देखकर शिवानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी नई असिस्टेंट इतनी सुंदर क्यों थी? वो उस रूम के अंदर बस कुछ मिनट पहले ही आई थी और अंदर आते ही उसने उस रूम के सारे आदमी अट्रैक्ट कर लिए थे। क्या वो अपने पिछले जन्म में सचमुच एक चालाक लोमड़ी थी? अंदर ही अंदर शिवानी यशिका को बद्दुआ दे रही थी, लेकिन इस बीच भी उसने अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट बरकरार रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, जानेंगे आगे पॉकेट एफएम पर। मैं हूं नेहा। ओ गॉड।